वीडियो शुरू होते ही मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपके लिए हीरो और ऑक्सीजन में कौन सी चीज जरूरी है। हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए, मतलब हमारा लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए हीरे ही जरूरी है। अगर ऑक्सीजन ना होगी तो यह हीरे किस काम के? हमें जीने के लिए हीरे तो नहीं लगते ना। काफी सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि बक्सवाहा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, जहां 2,00,000 पेड़ काटे जा रहे हैं केवल डायमंड पाने के लिए। सरकार को यह लगता है कि बक्सवाहा फॉरेस्ट के नीचे उन्हें लाखों ही डायमंड मिल जाएंगे, परंतु केवल उन्हें लगता ही है। वहां पर लाखों डायमंड भी हो सकते हैं, करोड़ों डायमंड भी हो सकते हैं, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कुछ ना हो। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं डायमंड को रद्दी के समान समझ रहा हूँ। डायमंड के भी अपने ही इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सरकार को बक्सवाहा फॉरेस्ट से डायमंड मिलते हैं तो उन डायमंड से देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में मदद होगी। डायमंड हमारे देश की पॉवर्टी लाइन को डिक्रीज करने में भी मदद करेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 2,00,000 पेड़ काटने से भारत देश में ऑक्सीजन का काल पड़ जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। यह ऑक्सीजन तो हमें कुदरत से मिली है। कोरोना काल में तो इस ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरकर पैसों में बेचा जा रहा था। मैं यहाँ बैठकर बक्सवाहा फॉरेस्ट की माइनिंग का विरोध नहीं कर रहा। यदि सरकार 2,00,000 पेड़ काटकर 4,00,000 पेड़ लगा सकती है या 2,00,000 पेड़ ही लगा सकती है, तो सरकार आज ही माइनिंग का काम शुरू क्यों नहीं कर देती? अगर सरकार का मकसद सिर्फ माइनिंग कर डायमंड पाना ही है तो मेरा उनसे केवल यही प्रश्न है कि वह हमारी जानों से खिलवाड़ क्यों कर रही है।